Hello my kids, this is your story time. Your story name is Khichdi. Khichdi kab banti hai? Jab mamma chawal aur dal ko mix karke banati hai to khichdi ban jati hai. Ye kahani Birju ki hai. Ek baar Birju apne ससुराल गया। बिरजू की सासू माँ ने उसे चावल और दाल की बनी एक चीज खिलाई। बिरजू को उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। उसने पूछा, इसका क्या नाम है? सासू बोली, खिचड़ी। बिरजू ने सोचा, वापस घर जाकर भी मैं खिचड़ी ही खाऊंगा। लेकिन कहीं वह ना भूल ना जाए, इसलिए वह खिचड़ी 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 करते हुए घर की तरफ चल दिया। चलते चलते बिरजू का पैर एक गड्ढे में पड़ गया और उसे जोर का झटका लगा और बिरजू खिचड़ी के बदले खचड़ी खचड़ी बोलने लगा। अब वह खचड़ी खचड़ी बोलता हुआ जा रहा था। रास्ते में एक किसान अपने खेत में मक्के के बीज बो रहा था। उसे खचड़ी खचड़ी सुनकर बड़ा गुस्सा आया। किसान बोला, मैं तो बीज बो रहा हूँ और यह कहता है खाचड़ी खाचड़ी, ठहर जा, अभी बताता हूँ। और वह डंडा लेके बिरजू के पीछे दौड़ने लगा। बिरजू घबरा कर बोला, फिर मैं क्या बोलूँ? किसान बोला, बोल उड़चिड़ी उड़चिड़ी। बिरजू उड़चिड़ी 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 बोलता हुआ चलने लगा। आगे रास्ते में एक पहेंगे ने चिड़िया को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा था। उसे उड़चिड़ी उड़चिड़ी सुनकर बड़ा गुस्सा आया। बहेलिया बोला, मैं तो चिड़ियों को पकड़ रहा हूँ और यह कहता है उड़चिड़ी, ठहर जा, अभी बताता हूँ। वह भी बिरजू के पीछे दौड़ा। बिरजू घबरा कर बोला, फिर मैं क्या बोलूं? बहेलिया बोला, बोल बैठ चिड़ी बैठ चिड़ी। अब बिरजू बैठ चिड़ी बोलता हुआ जा रहा था। चलते चलते उसे भूख लगने लगी। बिरजू एक होटल में गया और बोला, मैं बैठ चिड़ी खाऊंगा। होटल में किसी को भी समझ नहीं आया कि बिरजू क्या मांग रहा है, मगर बिरजू बैठ चिड़ी की रट लगाए था। होटल वालों को गुस्सा आ गया। उसने बिरजू की जम के पिटाई की। इतने में बिरजू की माँ वहाँ आ पहुँची। माँ बोली, अरे तुमने तो पीट पीट कर मेरे बेटे की खिचड़ी बना दी। खिचड़ी सुनकर बिरजू खुश हो गया। बोला, हाँ हाँ मैं खिचड़ी ही तो खाना चाहता था। फिर उसके बाद बिरजू और उसकी माँ घर चले गए।